हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू एन एकेडमी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको लेक्चर, और ये लेक्चर है एमपीपीएससी TAT। एंड अगर इस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ये TAT का 13th आपको लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट फूड्स के बारे में, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण किलों के बारे में। देखो, फोर्ट और पैलेस में अलग अलग पढ़ाऊंगा, कई सारे ऐसे फोर्ट्स हैं जिनके अंदर पैलेसेस यहाँ पर आपको बने हैं, तो वी आर गोइंग टू डिवाइड द फोर्ट और पैलेस, उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग डिवाइड करने वाले। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश के फोर्ट में, क्योंकि उसको मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, तो इसलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर जो फोर्ट्स हैं उन फोर्ट्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सागर जिले के अंदर पड़ने वाले जो इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं इनके बारे में। सागर जिले के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण फोर्ट है वो है आपका धमोनी का फोर्ट, और धमोनी का फोर्ट लोकेटेड है शाजापुर के सॉरी सागर जिले के अंदर, और इसके अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आपको मिल जाएंगी धमोनी के फोर्ट के अंदर। स्पेशली इस किले को एक बार 1672 में राजा आपके जो छत्रसाल थे उन्होंने अपने कंट्रोल में यहाँ पर आपको ले लिया था, और उसके साथ में 30,000 रुपया 10-30,000 रुपीज उन्होंने मुगलों से वसूल किया, तब जाके ये किला मुगलों को वहां पर आपको वापस किया था। खैर, बाद में मुगलों ने उसको वापस कैप्चर कर लिया, और फिर से राजा छत्रसाल ने हमला करके इसको फिर से रिकैप्चर किया। कई बार इस एरिया के लिए, इस फोर्ट के लिए कई बार यहाँ पे युद्ध हुआ, और धमोनी एक तरह से देखा जाए तो मुगलों के टाइम पर मुगल जो एरिया था, मुगल का जो मध्य प्रदेश में क्षेत्र था, इसमें काफी काफी इंपॉर्टेंट फोर्ट यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र हुआ करता था। अगला जो इंपॉर्टेंट फोर्ट है आपके आपके सागर जिले के अंदर, वो इंपॉर्टेंट फोर्ट है, उसका नाम है, इट्स कॉल्ड द गोरजमार करके एक फोर्ट आपको लोकेटेड है, और जो गोरजमार फोर्ट आपको है ये लोकेटेड है सागर के देवरी नाम की जगह पे, और माना जाता है कि गोंड राजा जो संग्राम शाह थे, उन संग्राम शाह के जो 52 जो किले थे या 52 उनके जो गढ़ हुआ करते थे, उन 52 गढ़ में से एक गढ़ जो है वो आपका गोरजमार करके हुआ करता था, और इसको हम लोग उजरगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट जो फोर्ट है आपका, उस फोर्ट का नाम है, इट इज कॉल्ड द देवरी का फोर्ट, या उसको देवरी का किला आपको कहा जाता है। अब देखो, देवरी का जो फोर्ट है ये छोटा सा आपको किला है, और यहाँ पर भी आपका जो गोरजमार के जो राजा हुआ करते थे उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि इसका निर्माण चंदेल कालीन किसी राजा ने आपको किया होगा, लेकिन बाद में जब गोंड राजाओं का शासन हुआ तो गोंड राजाओं ने इस किले को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में आपको ले लिया। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है मध्य प्रदेश में सागर जिले में, उसका नाम है खिमलासा फोर्ट, और खिमलासा जो फोर्ट है ये भी सागर जिले में लोकेटेड है, और इसके निर्माण को लेके कोई बहुत ज्यादा जानकारी तो हमको नहीं मिलती है, लेकिन इसके पास में खिमलासा करके शहर भी लोकेटेड है, और इस किले को या इस शहर को पहले के समय पे शमुल्लास नाम से, शमुल्लास शमुल्लास नाम से आपको जाना जाता था। और जहां तक है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति ने, किसी मुस्लिम अटैकर्स ने, या किसी मुस्लिम कोई राजा वगैरह है उसने इसका निर्माण किया था, तो बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में हमको नहीं मिलती कि इसका निर्माण आपको एक्चुअली यहाँ पर आपको किसने करवाया था। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है वो है आपका सागर जिले के अंदर ही, और यह है गढ़पहरा का किला। अब इसको पुराना सागर का किला भी कहा जाता है, कि काफी पुराना एरिया है सागर का, तो ओल्ड सागर वाला एरिया भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक समय पे जो डांगी राज्य है, उस डांगी राज्य की कैपिटल हुआ करती थी, आगे जाके राजा संग्राम शाह जो है उन्होंने कैप्चर करके इसको कंट्रोल किया, और इसी के साथ में यहाँ पर आगे जाके जो डांगी राजा थे उनके बाद दिघी राजाओं का शासन आपको हुआ, और उन दिघी राजाओं ने इस किले का नाम चेंज करके आपको शीश महल के नाम से इस किले को जाना गया। तो जो गढ़पहरा का जो किला है इसको शीश महल के नाम से भी आपको जाना जाता है। अगला जो मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट किला है वो है राहतगढ़ का किला। राहतगढ़ का फोर्ट मध्य प्रदेश के इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट किला आपको माना जाता है। खैर, देखो इसके निर्माण को लेके कई सारी कहानियां हैं, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण किया था आपके परमार राजा जयवर्मन सेकंड ने, 1256 के 1256 के आसपास इस किले का यहाँ पर आपको निर्माण हुआ, और इसके पहले यहाँ पर एक छोटी सी गढ़ी थी जो चंदेलों ने यहाँ पर बनाई थी। साथ ही आगे जाके जब मुगल साम्राज्य हुआ, या जब आपका मुगल कंट्रोल यहाँ पर आपको हुआ, तो मुगल के टाइम पर भी ये किला मुगलों के पास आया। मुगलों के पहले अगर आप देखा जाए तो मुगलों के पहले अगर आप देखें तो मुगलों के पहले भी इस किले के, राहतगढ़ का जो किला था वो एक तरीके से जो संग्राम शाह था उनके कंट्रोल में यहाँ पर आपको रहा। और उसके अलावा जब 1857 का, 1857 की जब रिवोल्ट हुई, तो 57 की रिवोल्ट के टाइम पर आपके रायसेन वाला जो रीजन था, उस रायसेन वाले रीजन से दो इंपॉर्टेंट जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, दो रिवोल्यूशनरी थे, ना फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान, इन लोगों ने रायसेन के अंदर एक जगह है गढ़ा अंबाबारी, जब वहां पर उन्होंने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया, तो वहां से भाग के ये रायसेन आपको आ जाते हैं, या सॉरी राहतगढ़ के किले में आ जाते हैं, और यहाँ पर वो लंबे समय तक आपको रहे। तो ये किला 57 के बैटल के लिए भी
काफी इंपॉर्टेंट या काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट जो किला है मध्य प्रदेश के अंदर, वो आपके मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंदर, या जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में आपको लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं रीवा जिले के किलों के बारे में, तो तमाम सागर के किलों के बारे में हमने बात कर ली। रीवा जिले के अंदर तीन चार इंपॉर्टेंट किले आपको मिल जाएंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो किला है उसका नाम है केवटी दुर्ग, या केवटी का फोर्ट आपको कहा जाता है। अब देखो, इस किले का निर्माण भी जब चंद यहाँ पर जो बघेल राजाओं का जब शासन था, तो उस समय पे महाना रिवर के किनारे इसका निर्माण यहाँ पे किया, और इसका निर्माण माना जाता है कि बघेल राजा जो सालीवाहन थे, सालीवाहन ने इसका निर्माण किया। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट किला माना जाता है जिसको केवटी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट जो किला है रीवा का, वो है रीवा का किला, या रीवा का सिर्फ सिंपली उसको फोर्ट कहा जाता है, द मेन फोर्ट ऑफ रीवा। अब देखो, रीवा का जो मेन फोर्ट है, इसका निर्माण अगर देखा जाए तो इसके पीछे दो तीन अलग अलग, थोड़ा इतिहास में आपको पीछे जाना पड़ेगा। इस एरिया के ऊपर जब शासन हुआ आपके, जब मुगलों ने यहाँ पर आपको कैप्चर किया, मुगलों ने कंट्रोल किया, मुगलों के पहले इस एरिया के अंदर आपके जो शेरशाह सूरी है उनका शासन हुआ करता था, और शेरशाह सूरी के डेथ के बाद उसका जो बेटा है इस्लाम शाह सूरी, उसने जब इस एरिया के ऊपर आपको कैप्चर किया, तो उस समय पे उसका जो बड़ा बेटा था, शेरशाह सूरी का बड़ा बेटा, उसका नाम था जलाल खान, उसने यहाँ पर एक नारों की गढ़ी करके गढ़ी का निर्माण किया था। गढ़ी मतलब छोटा फोर्ट होता, छोटा बेस्टियन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो वॉच टावर के रूप में, या एक तरीके से, इस तरीके से आपको उपयोग किया जाता है। तो एक वॉच टावर उन्होंने यहां पर आपको बिल्ड किया। अब ये जो वॉच टावर यहां पर आपको बिल्ड किया, तो इसी किले के ऊपर आगे जाके जो आपके रीवा के जो राजा हुए विक्रमजीत सिंह, तो उन्होंने जाके, बघेल राजा विक्रमजीत सिंह, इन्होंने यहाँ पे आके रीवा के किले का निर्माण किया। अब देखो, इनका मेन जो किला था वो बांधवगढ़ का किला था, लेकिन बांधवगढ़ का किला जब अकबर ने जीता, और अकबर के बाद जब उस किले के ऊपर आपके शाहजहां ने जब उनको रिटर्न नहीं किया, तो इन दैट केस ये जो किला है, ये रीवा के अंदर आपको किला के निर्माण आपको करते हैं। और इस तरीके से जो रीवा का किला है, उस रीवा के किले का जो निर्माण है, वो रीवा के किले का निर्माण किया जाता। तो रीवा के किले के निर्माण की जो स्टोरी है, इस स्टोरी को याद रखिएगा। इसके साथ में यहाँ पर एक कृष्णा सागर करके एक इंपॉर्टेंट प्लेस भी लोकेटेड है, बहुत सुंदर सा एक तालाब जो है, वो तालाब इसके अंदर बना हुआ है। अगला रीवा का जो इंपॉर्टेंट फोर्ट है, उस किले का, उस फोर्ट का नाम है, इट कॉल्ड द गोविंदगढ़ फोर्ट, या गोविंदगढ़ का किला। अब देखो, गोविंदगढ़ का किला जो है, एक तरीके से रीवा के जो राजा थे उनके समर पैलेस के रूप में, या उनका जो गर्मी के अंदर जो समर पैलेस, जिसको आप समझते होंगे कि गर्मी के अंदर इंपॉर्टेंट किले के रूप में यहाँ पर आपको हुआ है, तो वो लोग यहाँ पर रह के थोड़ा आराम वगैरह करते थे। और ये इसका निर्माण किया है रीवा के जो राजा थे रघुराज सिंह, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। और उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन था कि वो लोग यहाँ पे आके थोड़ा आराम करना चाहते थे, और उसी समय पे रीवा के राजा जो रघुराज सिंह है, उन्होंने गोविंदगढ़ किले के आसपास, जो गोविंदगढ़ और आसपास यहाँ पर आपको जो गोविंदगढ़ लेक है, उस लेक के आसपास के रीजन में उन्होंने यहाँ पर जो सुंदरजा मैंगो है, उन मैंगोज को यहाँ पर लगाया, और बाद में जाके वही मैंगो अभी रिसेंटली 2023 में मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट जो जीआई टैग है, वो जीआई टैग आपको बने। तो रीवा के अंदर केवटी का किला, रीवा का किला, और उसके बाद गोविंदगढ़ का किला, ये तीन इंपॉर्टेंट जो किले हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट किले यहाँ पर आपको याद रखना। अब हम चलते हैं आपके रीवा से निकल के मध्य प्रदेश के दूसरे जिले में, और अब हम लोग यहाँ पर आपको बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर निवाड़ी जिले के अंदर। अब देखो, निवाड़ी जिले में जो इंपॉर्टेंट किला है, वो किला है आपका ओरछा का किला, ओरछा का फोर्ट। ओरछा का फोर्ट का भी अपना जो इतिहास है, वो काफी पुराना इतिहास आपको माना जाता है, और इसका निर्माण ओरछा के जो बुंदेल राजा थे, उन बुंदेल राजाओं के द्वारा ओरछा का जो किला है, इसका निर्माण किया। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स बनी, एक बड़ा सा फोर्ट कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर राजा महल और शीश महल, जहांगीर महल, और आपके राजा मंदिर पैलेस वगैरह, ऐसे कई सारी चीजें, जहांगीर महल, सावन भादो महल, ऐसे कई सारे अलग अलग जो महल है, वो आपको निवाड़ी के किले के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इसका थोड़ा इतिहास में, अगर मैं यहाँ पर आपको जाऊँ, इस किले के इतिहास के अंदर आपको जाऊँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जब बांधवगढ़ की जो स्टेप, या आपके जब रीवा का, सॉरी, आपके जब ओरछा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो ओरछा के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पर ओरछा के राजा जो हैं, उन्होंने इसका निर्माण आपको किया। फिर बाद में वीर सिंह देव जो हैं, उन्होंने बाद में जाके यहाँ पे जहांगीर महल का निर्माण किया। ठीक है, तो ये बात हुई ओरछा के फोर्ट के बारे में। ओरछा एक अलग से टॉपिक के रूप में, ओरछा, खजुराहो, चंदेरी, चित्रकूट, तमाम अलग अलग टॉपिक्स में आपको एक अलग अलग वीडियोज में जरूर पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, अगला जो हमारा जिला है वो है भिंड जिला, और भिंड जिले के अंदर दो इंपॉर्टेंट किले हैं, एक है आपका अटेर का किला
और दूसरा किला है आपका गोहद का किला। तो देखो अटेर का जो किला है ये आपका देवगिरी करके एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर आपको बना हुआ है, और इसका निर्माण जो है यहाँ के जो भदौरिया राजा थे उन भदौरिया राजाओं ने किया। और भदौरिया राजाओं में आप देखोगे कि उनका नाम है बदन सिंह, महा सिंह और बकत सिंह, ये तीन इंपॉर्टेंट राजा थे। इन राजाओं ने मिलकर जो अटेर का किला है, इस अटेर के किले का निर्माण किया। साथ ही इस किले के अटेर के किले के साथ में यहाँ पर एक खूनी दरवाजा भी यहाँ पर आपको है, जिसमें माना जाता है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की को हत्या करने के बाद, उसको किल करने के बाद, इस किले के साथ में यहाँ पर आपको उसको लटका दिया जाता है। तो उसके लिए स्पेशली जो ये किला यहाँ पर आपको जाना जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है वो है गोहद का किला। अब देखो गोहद का किला जो है ना हिस्टोरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक महल बना हुआ है, उसको बोलते हैं नवीन महल, जो वन ऑफ द न्यूएस्ट बिल्डिंग इसमें आपको कहा जाता है। उसके बाद जो ग्वालियर के राजा थे उनके लिए ग्वालियर का किला और गोहद का किला बड़ा इंपॉर्टेंट था। जब वो ब्रिटिशर से लड़ रहे थे ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, उस समय उनसे ग्वालियर और गोहद का किला जो है वो वापस ले लिया गया, और उसके बाद ये किला उनको वापस मिलता है जब वो अंग्रेजों के साथ में जाके ट्रिटी ऑफ जो ग्वालियर है उस ट्रिटी ऑफ ग्वालियर को साइन करते हैं, और उस ग्वालियर की ट्रिटी को साइन करने के बाद ये किला उनको वापस मिलता है। तो गोहद का किला जो है वो भी आपके भिंड के अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है वो है आपके मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अंदर, और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अंदर जो इंपॉर्टेंट किला है वो किला है, इट इज कॉल्ड द उस किले को जो नाम है इट्स कॉल्ड द देवगढ़ के किले के नाम से यहाँ पर आपको जाना जाता है। अब देखो देवगढ़ का जो किले की हम लोग बात करें तो देवगढ़ एक जाटव करके राजा थे, गोंड राजा थे, उन्होंने निर्माण किया था। अब देखो ये जो स्टेट है ना, जब गोंडवाना जो स्टेट था या गढ़ा मंडला स्टेट था, तो गढ़ा मंडला स्टेट जब कमजोर हुआ, जो वीक हुआ, और गढ़ा मंडला जो स्टेट है उसके वीक या उसके कमजोर होने के बाद देवगढ़ स्टेट यहाँ पर आपको आता है, और देवगढ़ स्टेट के अंदर स्पेशली उन्होंने इस किले का निर्माण किया। इस किले के अंदर एक मोटी टाका करके एक इंपॉर्टेंट जो टैंक है वो टैंक में मिलता है, एक तरीके से एक पॉन्ड है वो पॉन्ड इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो छिंदवाड़ा के अंदर लोकेटेड है आपका देवगढ़ का किला। अब हम चलते हैं छिंदवाड़ा से निकल के मध्य प्रदेश के बैतूल के अंदर, और मध्य प्रदेश के बैतूल के अंदर लोकेटेड है वन ऑफ द फेमस फोर्ट, इज कॉल्ड द खेरला फोर्ट, खेरला का किला। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो स्टेट था ना खेरला स्टेट, तो खेरला स्टेट आपको हुआ करता था, और खेरला स्टेट के जो राजा हैं या ये स्टेट है इसके ऊपर मुगल से लेके तो सिंधिया हो गए या मराठास दूसरे हो गए, इन सब लोगों का लगातार आपको अटैक हुआ। तो इसका निर्माण किया यहाँ के जो लोकल राजा थे नारायण सिंह ने, जो एक गोंड राजा माने जाते थे, और शुरू के अंदर भी ये जो राजा संग्राम शाह के जो 52 फोर्ट थे उन 52 फोर्ट में से आपको एक था। बाद में जब मुगलों ने इसके ऊपर कैप्चर किया तो इसका नाम चेंज करके महमूदाबाद नाम कर दिया। तो खेरला का जो किला है वो लंबे समय तक आपके महमूदाबाद के किले के नाम से यहाँ पर आपको जाना जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है मध्य प्रदेश का, बैतूल से सीधे हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंदर, और बड़वानी जिले के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट या एक इंपॉर्टेंट आपको किला है, जैसे खैर ये छोटा सा किला है तो ज्यादा इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन इट इज कॉल्ड द सेंधवा के किले के नाम से इसको यहाँ पर आपको जाना जाता है। सेंधवा का किला लोकेटेड है मध्य प्रदेश के, जैसा आपको दिख रहा है कि बड़वानी जिले के अंदर, और इसका निर्माण भी माना जाता है कि यहाँ पे जो आपके परमार राजा थे तो उन परमार राजाओं ने इसका निर्माण किया था, इसको बिल्ड किया था। और ज्यादा चीजें इसके बारे में आपको सिंधवा के किले के बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती, ये बस बेसिक जानकारी हमको मिलती है। अगला जो इम्पोर्टेंट किला है वो हरदा का आपको किला है, और हरदा के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट फोर्ट है उसका नाम है मकड़ी का किला। अब देखो मकड़ी करके गोंड स्टेट यहाँ पे हुआ करता है, जैसे केरला स्टेट मैंने बताया उसी तरीके से यहाँ पर जो मकड़ी स्टेट है तो मकड़ी करके एक स्टेट हुआ करता था, और उस मकड़ी स्टेट का एक इम्पोर्टेंट जो किला है उसको मकड़ई का किला कहा जाता था। तो ये किला भी अगर देखा जाए तो ये एरिया देखा जाए तो जो राजा संग्राम शाह थे उन्हीं से अलग होके ये एरिया बना था। कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा थे उनको राजा संग्राम शाह ने इनाम के रूप में इस किले को आपको दिया, और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के हरदा जिले के अंदर। और इसमें भी जो मकरंद करके एक राजा हुआ करते थे, मकरंद करके राजा, उन्होंने इसका निर्माण किया। अगला जो इम्पोर्टेंट फोर्ट है वो फोर्ट लोकेटेड है मध्य प्रदेश के देवास जिले के अंदर, और ये फोर्ट जो है वो है जोग फोर्ट। अब देखो अब ये मत बोलना सर कि देवास का जो ये जोग का जो किला है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के हरदा जिले के अंदर, बिल्कुल ये मध्य प्रदेश के हरदा जिले में ही लोकेटेड है, लेकिन एक्चुअली ये बॉर्डर के ऊपर बना है ना, देवास और हरदा की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे आपको बना हुआ। तो एक्चुअल जो फोर्ट का जो पूरा रीजन है ये आता है मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव जिले, खातेगांव तहसील में, और वहां पर भी बाई जोग बाड़ा करके एक गांव है, उस गांव में मेन लोकेशन आती है। उसके बाद बाकी जो एरिया है वो एरिया आपको हरदा के अंदर आपको मिल जाएगा। तो एक तरीके से दोनों स्टेट की जो बॉर्डर है उन बॉर्डर पे आपको मिलेगा, तो इसलिए आपको कई बार कंफ्यूज
कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये कहाँ पर आपको लोकेटेड है। और इसको बनाने वाले जो लोग थे, भोगा और जोगा, दो इम्पोर्टेंट इनके भाई हुआ करते थे, और इन भाइयों ने मिलके इस किले का यहाँ पर आपको निर्माण किया। ठीक है, तो देवास के अंदर लोकेटेड है चौक फोर्ट, याद रखना ये हरदा और देवास की बॉर्डर पे लोकेटेड है। चलिए, अगला जो इम्पोर्टेंट किला है मध्य प्रदेश में वो है कटनी के अंदर, और कटनी के अंदर किला है उसका नाम है विजय राघोगढ़ का किला। अब देखो, विजय राघोगढ़ का जो किला है ना, ये स्पेशली आपके 1857 का जो बैटल था, उस बैटल के टाइम पर आपको काफी इम्पोर्टेंट है। उस बैटल के समय पे यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, ठाकुर जो प्रयागदास, तो उन्होंने इस किले का निर्माण आपको किया, इसका फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया, और बाद में जाके यहाँ पर इस किले के अंदर जो विजय राघोगढ़ के जो राजा थे, जो राजकुमार थे, सरजू प्रसाद, उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल आपको लड़ा, और उस बैटल के अंदर वो विजय यहाँ पर आपको हुए। तो वो उस किले के ऊपर फिर बाद में जाके ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आपको हमला किया, और उस हमले के कारण ब्रिटिशर्स जो है वो उनको काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है मध्य प्रदेश में वो है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के अंदर। अब देखो, नरसिंहपुर जिले में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेट या किला आपको मिलेगा, उस किले का नाम है चौरागढ़ का किला। अब ये अगर हम लोग गोंड स्टेट का इतिहास आपको देखें, तो गोंड स्टेट के इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट किला माना जाता है, क्योंकि इस किले को एक समय पे जो रानी दुर्गावती हैं उन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट प्लेस बनाया था। जब आपके असफ खान का जब हमला आपको हुआ, तो समय पे उन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट स्टेशन आपको यहाँ पर, या एक ऐसे स्टेशन के रूप में, एक बोल सकते हैं अपने किले के रूप में इसको स्टैब्लिश आपको किया। और उसके बाद आगे जाके जब जहाँ जो आपकी रानी दुर्गावती हैं वो जब असफ खान के साथ, या अकबर का जो सेनापति था असफ खान, उसके साथ जब युद्ध में आपको हार गई, और उसके बाद उनकी वहीं पर बैटल ग्राउंड में उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उनका जो बेटा है वीर नारायण, वो इस किले के अंदर आके आपको शरण लेता है, क्योंकि उन्हीं का किला था। और उसके बाद जो मुगल सूबेदार या मुगल अधिकारी है असफ खान, ये इस किले पे आके हमला करता है, और हमला करके इस किले को अपने कंट्रोल में आपको ले लेता है। और साथ ही यहाँ पे रानी दुर्गावती की बहन कमलापति और भी कई सारी महिलाओं को यहाँ पर आपको जौहर करना पड़ा। कमलापति वैसे यहाँ से जीवित बच गई। कहा जाता है इस किले के अंदर बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारा जो पैसा वगैरह है वो उसके अंदर आपको लोकेटेड है। और उसके बाद मुगल राजा जो अकबर थे, इन्होंने जाके जब प्रेम नारायण जो स्पेशली उन्होंने राजा जो चंद्रशाह है उनके साथ जब संधि की, तो उसके बाद ये जो पूरा किला है ये कुछ समय तक मुगलों के कैप्चर में आपको रहा, आगे जाके अंग्रेजों के नियंत्रण में यहाँ पर रहा, और एक मुगल समय पे इसको संग्राम शाह जो है माना जाता है कि उनके आसपास के पीरियड में इसको बनाया गया था, तो संग्राम शाह के पीरियड के अंदर इसका निर्माण आपको किया, तो ये भी याद रखेगा। अगला जो मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट किला है, या आपके जो यहीं पर जो इम्पोर्टेंट किला है नरसिंहगढ़ के अंदर, उस नाम किले का नाम है जीरन का किला। अब देखो, जीरन का जो किला है, या जीरन की गढ़ी आप यहाँ पर आपको बोल सकते हो। अब इसको किले की जगह हम लोग गढ़ी अगर बोलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। गढ़ी मतलब थोड़ा छोटा वाला फोर्ट हो गया, थोड़ा छोटा वाला एरिया आपको हो गया। अब यहाँ पर कई सारी जो कैल्कोलिथिक साइट्स हैं, वो कैल्कोलिथिक साइट्स हमको मिल जाएंगी, कई पुरापाषाण काल की साइट्स आपको मिल जाएंगी। और उसी के साथ में इस किले के अंदर लाल शाह नाम का जो राजा था, उसको 1813 में उन्होंने अपनी स्थापना यहाँ पे की, और उसकी जो कब्र है वो भी इसी के अंदर यहाँ पर आपको एस्टैब्लिश है। उसके बाद जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट के समय पे जो शहजादा फिरोज थे, जो मुगल राजा जो बहादुर शाह जफर सेकंड जो है उनके बड़े उनके पोते या उनके नाती हुआ करते थे, तो उन्होंने उस समय पे इस जीरन के किले पे हमला किया, और जीरन के किले पे हमला करके जीरन के किले को अपने कंट्रोल में या अपने नियंत्रण में यहाँ पर आपको ले लिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो किले हैं ये लोकेटेड है नरसिंहपुर के अंदर, चौरागढ़ का किला और उसके अलावा जीरन का किला। चलिए, यहां से निकल के चलते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मंदसौर जिले में, और मंदसौर जिले के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्ट है ना, वो है मंदसौर का किला या मंदसौर का फोर्ट। अब देखो, मंदसौर के फोर्ट को लेके आपने कई सारी अलग अलग स्टोरी सुनी होगी कि ये इस किले का जो निर्माण है वो निर्माण किसने किया, किसने आपको कंस्ट्रक्शन किया। तो देखो, मंदसौर के किले को अगर देखा जाए तो इसका एक और नाम है दशपुर का किला, और इसको माना जाता है कि होशंगशाह जो गौरी हैं उन्होंने निर्माण किया था, और उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो मंदसौर का किला, शाहजहांपुर का किला, ये तमाम किले जो हैं ये इसलिए बनाए गए कि कहीं से अगर राजपूताना से अगर अटैक होता है तो उस अटैक से अपने स्टेट को यहाँ पर आपको रोका जाए, उसको यहाँ पर आपको बचाया जाए। तो इसके लिए होशंगशाह गौरी जो है उन्होंने मंदसौर का जो किला है, इस फोर्ट का आपको निर्माण किया। आगे जाके उन्होंने राणा सांगा जो है, आगे जाके क्योंकि वो हमला जो उनको लगता था कि होगा, और वो हमला हुआ, और हमले के बाद राणा सांगा ने उसको ऑक्यूपाई किया, और उसके बाद अशोक मल राजपूत नाम के एक जो व्यक्ति थे उनको इस किले का सूबेदार अपॉइंट किया। आगे
आगे जाके जब शेरशाह सूरी ने उसको कैप्चर आपको किया, तो शेरशाह सूरी ने सदर खान नाम का एक अपना अधिकारी है उसको इस किले के अंदर यहाँ पर आपको स्टैब्लिश किया, एज ए अधिकारी के रूप में स्थापित किया। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है वो है आपका हिंगलाजगढ़ का किला। अब देखो हिंगलाजगढ़ का जो किला है ना, इसको लेके ये बताना कि किला कब बना कैसे बना इसके बारे में ज्यादा जो जानकारी है वो ज्यादा जानकारी तो हमारे पास आपको नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब रिसर्च किया गया इस किले के अंदर, यहाँ पर जो स्टडी वगैरह की गई, तो इसके अंदर हमको पता चला कि यहाँ पे कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट आपको मूर्तियां यहाँ पे मिलती हैं जो माना जाता है कि आपके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द परमार उस समय आपको हुआ, कुछ यहाँ पर मौर्यकालीन भी सबूत मिलते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो हिंगलाजगढ़ का जो किला है, हिंगलाज माता का मंदिर यहाँ पर है, ये हिंगलाज माता परमार जो आपके परमार राजा और उनके साथ में जो मौर्य थी उनकी एक तरीके से देवी हुआ करती थी, उनकी अब बोल सकते हैं कि उनकी जो इष्ट माता है, इष्ट माता हुआ करती थी। चार इम्पोर्टेंट अलग अलग दरवाजे बने हैं, उसके बाद हिंगलाजगढ़ की जो यहाँ के जो स्कल्पचर है, यहाँ की स्कल्पचर को अलग से हिंगलाजगढ़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, एक अलग तरह का आर्किटेक्चर। और साथ में यहाँ पर पैलियोलिथिक और कैल्कोलिथिक पीरियड के तमाम जो सबूत हैं वो सबूत भी हमको मिल जाते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट किला है वो है आपके मध्य प्रदेश के सिवनी का किला, और सिवनी के अंदर जो इम्पोर्टेंट किला है ना, ज्यादा किले तो यहाँ पर नहीं है लेकिन एक इम्पोर्टेंट किला यहाँ पे बना हुआ है, उसका नाम है अदेगांव का किला। देखो अदेगांव का किला जो है एक छोटा सा किला बना हुआ है सिवनी के अंदर, और 18 सेंचुरी के आसपास इस किले को छोटा सा एक जो फोर्ट्रेस है वो स्टैब्लिश किया गया बाय द राघोजी भोसले के द्वारा, तो राघोजी भोसले ने इसकी स्थापना आपको की। ओके, उसके बाद अगला जो किला है वो आपके मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के अंदर आपको आ जाओ, तो श्योपुर जिले के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो किला मिलेगा, फोर्ट आपको मिलेगा, उस फोर्ट का नाम है बड़ौदा का किला, है ना, एक बड़ौदा अलग है ये बड़ौदा, तो बड़ौदा का फोर्ट आपको मिलेगा, बड़ौदा का किला मिलेगा। अभी जो बड़ौदा का जो फोर्ट है ये इस एरिया के अंदर जो भी इस एरिया में जो अटैक्स वगैरह होते थे तो उनसे बचाने के लिए इस किले का जो निर्माण है, इस किले का निर्माण किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक राजा हुआ करते हैं, उनका नाम था दूची राजो, तो दूची राजो नाम के एक जो राजा थे उन्होंने इस किले का निर्माण किया। इसके अलावा इसके अंदर शीश महल, हवा महल, शंकर महल, ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स आपको बड़ौदा के किले के अंदर आपको मिल जाएगी। उसी तरीके आपके अशोकपुर के अंदर अगला जो इम्पोर्टेंट किला है वो है मानपुर का किला, और इसका निर्माण किया था राजा मानसिंह ने, जो यहाँ के ऑब्वियस सी बात लोकल आपको राजा हुआ करते थे, उन्होंने निर्माण किया। और आगे जाके फिर दौलत राव जो सिंधिया है उन्होंने जाके इस किले को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ले लिया। अगला जो इम्पोर्टेंट किला है वो है श्योपुर का किला, और श्योपुर के किले का निर्माण भी राजा मानसिंह ने किया था, जो एक गौंड राजा हुआ करते थे, और ये किला लोकेटेड है सीप नदी के किनारे। कई बार व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया फलाना किला ये किस नदी के किनारे, तो श्योपुर का जो किला है ये लोकेटेड है आपके मध्य प्रदेश में आपके सीप नदी के किनारे। तो ये भी किला जो आपके श्योपुर के जो राजा थे, राजा मानसिंह या गौंड राजा थे मानसिंह, उन्होंने इस किले का यहाँ पर निर्माण किया। यहां से हम लोग आ जाते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर में, और सीहोर का जो इंपॉर्टेंट किला है, सीहोर के अंदर एक इंपॉर्टेंट किला है, उस किले को कहा जाता है गिन्नौरगढ़ का किला। अब देखो ये जो किला है ना, ये एस्टैब्लिश किया था आपके जो गोंड राजा यहाँ पर आपको हुआ करते थे, तो उन गोंड राजाओं ने इसका निर्माण किया। स्पेशली जो यहाँ पर जो नाम आता है, रानी जो कमलापति है, राणा कमलापति का नाम आता है कि कमलापति के समय पे उनके जो पति है निजाम शाह, उन्होंने इस किले का निर्माण किया। खैर अभी तो खंडर हो चुका है, लेकिन इस किले के ऊपर बाद में जो दोस्त मोहम्मद खान है उसने भी आपको हमला करके इस किले को यहाँ पर आपको कंट्रोल कर लिया। तो निजाम शाह के बाद द्वारा बनाया गया काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको किला है। ओके, उसके बाद ये तो बात हुई सीहोर की। सीहोर के अलावा मध्य प्रदेश के गुना के अंदर एक किला है, और उस किले को कहा जाता है जागरून का किला, या इसको आपका जो बजरंग किला है तो बजरंग फोर्ट के नाम से भी आपको जाना जाता है। अब बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो यहाँ के जो लोकल जो राजा थे उन लोकल राजाओं ने, खिची राजा जो थे उन्होंने इसका निर्माण यहाँ पर आपको किया, और बाद में जाके ये जो पूरा रीजन है ये चंदेरी जो जो सरकार हुआ करता था मुगलों के समय पे, अकबर का जो चंदेरी सरकार था उस चंदेरी सरकार का पार्ट बन गया। आगे जाके जब चंदेरी पे हमला हुआ तो उसी समय पे जो मुगल जो आपके सिंधिया अधिकारी थे उनका नाम था जॉन बैप्टिस्ट, तो उन्होंने इस किले पे हमला करके इस किले को यहाँ पर आपको कैप्चर कर लिया, और बाद में ये किला जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको नष्ट हो गया। तो उसको बजरंगगढ़
फोर्ट या उसको जारखोन का किला, दोनों नामों से यहाँ पर आपको जाना जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंदर आपको लोकेटेड है, और पन्ना के अंदर जो किला है उसको कहा जाता है अजयगढ़ का किला, अजयगढ़ का फोर्ट। तो ये देखो यहाँ पर ज्यादा फोर्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि अजयगढ़ एक समय पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टेट है, या अजयगढ़ स्टेट के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के जो चंदेल राजा थे, राजा अजयपाल, उन्होंने इसका निर्माण किया। आगे जाके फिर पन्ना के आसपास के रीजन जो है, इस एरिया को जब आपके बुंदेला राजाओं ने जीता, तो बुंदेला राजाओं ने भी इसको अपने कंट्रोल में या अपने नियंत्रण में यहाँ पर आपको ले लिया। तो पन्ना के अंदर आपको लोकेटेड है अजयगढ़ का किला। अगला जो इम्पोर्टेंट किला है वो है शाजापुर का किला। अब देखो शाजापुर भी अगर देखा जाए ना, तो राज्य आपकी तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है इनकी बॉर्डर पे आपको लोकेटेड है। तो बॉर्डर पे लोकेटेड होने के कारण यहाँ पे कई सारे जो बड़े किले बनाए गए, ताकि उधर से होने वाला जो अटैक है वो अटैक, या राजपूताना से होने वाला जो अटैक है उस अटैक से अपने स्टेट को या अपने जो राज्य है उस राज्य को यहाँ पर आपको बचाया जा सके। तो इसके लिए शाहजहापुर का जो फोर्ट है, इस फोर्ट का निर्माण किया। और इस फोर्ट का जो निर्माण है, माना जाता है कि आपके जो होशंगशाह गौरी है, होशंगशाह गौरी ने ही इस किले का निर्माण यहाँ पर आपको किया था। एंड इट इज लोकेटेड ऑन द चिल्लर रिवर। उसके बाद में जब ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो राणोजी सिंधिया थे, उन्होंने फिर से आके इस किले का पुनर्निर्माण आपको किया। अगले जो किला है वो है आपके शिवपुरी का किला। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अगर आप देखोगे तो दो तीन इंपॉर्टेंट किले बने है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो किला है वो नरवर का किला माना जाता है। अब देखो नरवर का किला जो है ना, ये कंस्ट्रक्शन किसने किया वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारी चीजें आपको आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी हमको नरवर के बारे में नहीं मिलती है। तो माना जाता है कि यहाँ के जो कछवाहा राजा थे, उन कछवाहा राजा जो है उन्होंने नरवर के किले का यहाँ पर आपको निर्माण किया। और उसके बाद में इस किले को आसपास के रीजन के अंदर आसपास के जो रूलर्स वगैरह थे, उन्होंने लंबे समय तक नरवर के किले को यहाँ पर आपको कंट्रोल किया। ओके, उसका नरवर के किले के बाद यहाँ का जो इम्पोर्टेंट किला है उसका नाम है पोहरी का फोर्ट, पोहरी का किला। देखो शिवपुरी के पास में एक जगह है, उस जगह का नाम है पोहरी, और यहाँ पर एक छोटा सा पोहरी स्टेट हुआ करता था। और इसी पोहरी स्टेट में यहाँ के जो लोकल राजा थे, उन्होंने पोहरी के जो किला है इस किले का यहाँ पर आपको निर्माण किया। इस किले को खंडेराव के नाम से भी जाना जाता है, और ये थोड़ा सा एक भूतिया किला है। माना जाता है कि यहाँ पे भूत वगैरह आते हैं, और इंडिया के जो हॉन्टेड प्लेसेस हैं, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट हॉन्टेड प्लेसेस हैं, उनमें से एक यहाँ पे माना जाता है। जिसमें जो कछवाहा रूलर थे यहाँ के लोकल, उन्होंने इसका निर्माण किया। फिर बाद में जो सिंधिया राजा थे, सिंधिया जो थे, उन्होंने सरदार सिथोले नाम के एक अधिकारी हुआ करते थे उनके, तो उनको ये किला यहाँ पर सरदार सिथोले को दिया। और उसके बाद सरदार सिथोले जो है उन्होंने इस किले को पूरी तरीके से आपको कंट्रोल किया। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट किला है वो है ग्वालियर का किला, मध्य प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण किला। अब देखो ग्वालियर के अंदर जो ग्वालियर का फोर्ट है, ग्वालियर का जो किला है, इसकी अगर हम लोग हिस्ट्री में जाए ना, तो एग्जैक्टली कि ये किला किसने बनाया, तो कहीं 6ठी शताब्दी, कहीं 8वीं शताब्दी माना जाता है। लेकिन हाँ ये जरूर तय है कि सूरज सेन नाम के जो राजा थे, उन राजा ने इस ग्वालियर के किले का निर्माण किया। ये बहुत बड़ा फूड कॉम्प्लेक्स आपको है, जिसमें कई सारी तमाम बिल्डिंग्स आपको है। एक अलग से वीडियो में सिर्फ ग्वालियर फूड के ऊपर बनाऊंगा। यहाँ पे तकरीबन जो 25-30 अलग अलग जो आर्किटेक्चर, अलग अलग जो बिल्डिंग्स बनी है, वो तमाम बिल्डिंग्स को हम लोग आपको डिस्कस करेंगे। तो ये अलग ही लेवल पे इसको हम लोग डिस्कस करने वाले। अगला जो किला है वो भी आपके ग्वालियर के अंदर ही आपको लोकेटेड है, और इस किले को कहा जाता है मगरोरा का किला। अब ये जो किला है ना, ये भी एक तरह से देखा जाए तो जो सिंधिया राजा थे, उन सिंधिया जो राजा हैं उनके कैप्चर में या उनके कंट्रोल में हुआ करता था। और यहाँ पे राजा हुआ करते राजा हमीर जुदेव। तो राजा हमीर सिंह जुदेव जो है, इन्होंने इसका निर्माण किया। फिर बाद में जाके जो पिछोरा के जो राजा थे, उन्होंने इस किले को अपने कंट्रोल में लिया। एक तरह से देखा जाए तो आपके जो लोधीज हैं, दिल्ली के लोधी हैं, तो दिल्ली के लोधी और ग्वालियर के बीच में एक इम्पॉर्टेंट एक तरह से स्ट्रगल के रूप में इस किले को देखा गया। अगला जो इम्पोर्टेंट किला है वो है आपके रायसेन का किला, और रायसेन में लोकेटेड है रायसेन फोर्ट, रायसेन का किला। अब देखो इस किले के बारे में भी ज्यादा जानकारी तो हमको नहीं है कि इस किले का निर्माण किसने किया, लेकिन माना जाता है कि जो रायसेन का फोर्ट है, ये स्पेशली परमार राजाओं के टाइम पर इसका कंस्ट्रक्शन या इसका जो निर्माण है वो निर्माण आपको शुरू हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे करके कई सारे अलग अलग जो किंग्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर आपको कंट्रोल किया, या आपके रायसेन के किले पे आपको हमला किया। और अगर देखा जाए ना, तो रायसेन का किला तमाम जितने भी उस समय राजा थे, उन राजाओं के अटैक के ऊपर आपको रहता था, या उनके हमले के ऊपर उनका हमला जो है वो लगातार इस किले के अंदर आपको होता रहता था। इसमें अगर देखा जाए तो कई सारे इंपॉर्टेंट राजाओं ने हमला किया। अगर हम लोग बात करें फ्रॉम द इल्तुतमिश से लेके तो आपके ब्रिटिशर्स तक, तमाम लोगों ने हमला किया। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको हमला हुआ शेरशाह सूरी का, है ना। शेरशाह सूरी ने
हमला करके इस किले को कंट्रोल आपको किया, अपने नियंत्रण में यहाँ पर रखा, और यहाँ पर रहने वाले जो हिंदू जो राजा थे उन हिंदू राजाओं को उसने यहाँ पर आपको किल किया। उसके बाद अकबर, हुमायूं, औरंगजेब तमाम राजाओं के कंट्रोल में आपका रायसेन का किला रहा। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है वो है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंदर, और मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट फोर्ट मिलेंगे। एक तो इंपॉर्टेंट फोर्ट आपको मिलेगा, उस फोर्ट का नाम है नरसिंहगढ़ का फोर्ट, ठीक है, नरसिंहगढ़ का किला। अब देखो नरसिंहगढ़ का जो किला है, यहाँ पे नरसिंहगढ़ स्टेट हुआ करता था, और उस स्टेट के अंतर्गत इस किले का जो निर्माण है निर्माण किया, और यहाँ के राजा थे उनका नाम था महाराजा भानु प्रकाश सिंह जी। तो उन्होंने नरसिंहगढ़ का जो फोर्ट है, इस नरसिंहगढ़ के फोर्ट का निर्माण किया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजगढ़। और आगे जाके फिर जो जो कुंवर चैन सिंह थे, तो कुंवर चैन सिंह भी इस किले में आपको रहे, और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के साथ, जैसा आपको पता ही है, कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल आपको लड़ा, और उस बैटल के अंदर उनकी शहादत हो जाती है। राजगढ़ का दूसरा जो इंपॉर्टेंट किला है वो है खिलचीपुर का किला। अब देखो ये किले का भी जो इतिहास है वो ज्यादा चीजें हमको पता नहीं, क्योंकि कई सारे छोटे छोटे किले हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन ये जो किला है ये लोकेटेड है एक गोद गंगा करके एक नदी यहां से निकलती है, उस नदी के किनारे। लेकिन इसका निर्माण किसने किया, कंस्ट्रक्शन किसने किया, उसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती। तो खिलचीपुर का किला बड़ा सुंदर सा किला है, काफी बड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ काफी महत्वपूर्ण किला मध्य प्रदेश का माना जाता है। अगला मध्य प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट फोर्ट है ना, वो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, और खरगोन जिले के अंदर वी हैव द महेश्वर फोर्ट या महेश्वर का किला यहाँ पर आपको बना हुआ है। अब देखो इस किले का निर्माण अगर देखा जाए तो इसको लेके बड़ा डिस्प्यूट है कि महेश्वर का जो किला है इसका निर्माण किसने किया। कुछ इतिहासकार यहाँ पर आपको मानते हैं कि जो आपके सिंधिया राजा, आपके होलकर राजा थे मल्हार राव होलकर, उन्होंने इसका निर्माण किया। कुछ राजाओं, इतिहासकारों का मानना है कि उनके बाद उनकी जो बहू थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने इसका निर्माण किया। यहाँ पर एक जगह लोकेटेड, उसका नाम था अहिल्यावाड़ा नाम से। तो माना जाता है कि अहिल्याबाई होलकर या मल्हार राव होलकर में से किसी ने इसका निर्माण किया होगा। और ये किला बेसिकली अपने बड़े इंपॉर्टेंट फोर्ट्रेस, या जैसे देखा जाए तो यहाँ के जो जो स्टेप्स स्टेप्स हैं, या एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो सीढ़ियां बनी हैं उनके लिए जाना जाता है। और इसी के पास में लोकेटेड है रानी अहिल्याबाई की, उनकी समाधि लोकेटेड आपको है। और इस किले से नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो नर्मदा नदी का एक बहुत शानदार विहंगम जो दृश्य है वो दृश्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं इस फोटो की बात कर रहा था, बड़ा सुंदर सा आपको किला है। खैर अंदर से सभी किले एक जैसे आपको होते हैं लेकिन बाहर से इसका आर्किटेक्चर जो है वो बड़ा सुंदर दिखता है। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के अंदर आपको लोकेटेड है वो ना ये हो गया धार का किला आपको हो गया। तो खरगोन में दो ही इंपॉर्टेंट किले थे, धार में अगर आप आ जाएं तो धार में अगर देखा जाए तो मांडू इज द इंपॉर्टेंट प्लेस। मांडू के अंदर हम अलग से मांडू के बारे में आपको बात करेंगे, लेकिन धार सिटी के अंदर या धार जिले में जो दो फोर्ट है उसमें से एक फोर्ट है अमझेरा का किला। अब देखो अमझेरा जो है वो धार के पास में एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, एक इंपॉर्टेंट राज्य हुआ करता था, और यहाँ के राजा बड़े इंपॉर्टेंट राजा माने जाते हैं। उनका नाम है राजा बख्तावर सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो रिवोल्ट है, अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर आपको रिवोल्ट किया था। और उस समय पे जो अमझेरा के जो राजा थे, वहां के जो राजपूत राजा हैं, उनका नाम है राजा राम सिंह राठौर। तो उन्होंने इसका निर्माण आपको किया, और बाद में जाके इस किले के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करके इस किले को एक तरीके से नष्ट आपको कर दिया। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है धार के अंदर, इट्स कॉल्ड द धार फोर्ट। अब देखो धार के फोर्ट के बारे में आपने सुना होगा कि धार के फोर्ट का जो निर्माण है वो किया था महमूद, आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो हाँ मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने इसका एक बड़ा निर्माण आपको किया, लेकिन इसके पहले परमार पीरियड या परमार कालीन जो समय था, परमार कालीन समय में भी धार का जो किला है वो काफी इंपॉर्टेंट था। और उस समय पे इसको धारागिरी लीलोद्यान के नाम से, धारागिरी लीलोद्यान के नाम से जाना जाता था। राजा भोज ने अपने आर्किटेक्चर स्किल से इसका निर्माण करवाया, और इसके अंदर एक तरीके से उनके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था गोगा चौहान। आगे जाके जो गोगा चौहान थे, जो स्पेशली 13 सेंचुरी में परमार प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हें इस किले को आपको कंट्रोल किया। 1305 में इस किले के ऊपर हमला होता अलाउद्दीन खिलजी का, और उसके बाद मोहम्मद शाह तुगलक है वो इसके ऊपर हमला करते हैं, और इसके अंदर एक छोटा सा फोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसको खरबूजा महल कहा जाता है, उस खरबूजा महल का निर्माण करते हैं। अब एक इस किले के बारे में इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है कि इस किले को पेशवा जो बाजीराव सेकंड थे, तो उनका जन्म जो है इस किले के अंदर 1775 में 1700
1775 के अंदर इस किले का निर्माण हुआ। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट किला है, हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश के डायरेक्ट मुरैना जिले के अंदर, और मुरैना जिले के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स आपको हैं, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट किला आपको मिल जाएगा वो है सबलगढ़ का किला। ठीक है, तो देखो मुरैना वाला जो पूरा एरिया था, तो ये एक तरह से देखा जाए तो बुंदेलखंड के जो राजा हैं उनके कंट्रोल में हुआ करता था, और यहाँ पे सबल नाम का एक एक राजा हुआ करता था, एक गुर्जर राजा था सबल। तो उस गुर्जर राजा ने इसका निर्माण किया, बाद में जाके करौली के जो राजा हैं, करौली के राजा के कंट्रोल में या उनके नियंत्रण में ये आपको आया। आगे जाके जो स्पेशली जो सिंधिया के एक अधिकारी थे उसका नाम था लकवा दादा, तो उन्होंने सबलगढ़ के किले के ऊपर आपको निर्माण किया, और बाद में फिर आपके जो गौन आपके ये राजा हैं आपका दौलतराव सिंधिया, तो दौलतराव सिंधिया के कंट्रोल में उनके नियंत्रण में जो ये मुरैना का जो किला है सबलगढ़ का किला, तो लंबे समय तक रहा। अगला जो जो इम्पोर्टेंट किला है वो दमोह के अंदर आपको लोकेटेड है, और दमोह के अंदर जो इम्पोर्टेंट किला है वो है आपका सिंगौरगढ़ का फोर्ट। सिंगौरगढ़ का किला वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्ट्स जो है उनमें से यहाँ पर आपको एक है। अगला जो किला है वो बुरहानपुर का किला, और बुरहानपुर में जो किला है उसको कहा जाता है बादशाही किला या बादशाह का किला कहा जाता है। तो ये जो फारूकी डायनेस्टी का शासन यहाँ पर आपको था, तो आदिल मीरन खान जो है उन्होंने बुरहानपुर के किले का इस फोर्ट का यहाँ पर आपको निर्माण किया। ओके, अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंदर, और बालाघाट जिले के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फोर्ट माना जाता है उसका नाम है लांजी का किला। देखो अब यहाँ पे एक ही इम्पोर्टेंट फोर्ट है लांजी का फोर्ट, और ये भी जो राजा संग्राम शाह थे उनके 52 इम्पोर्टेंट जो पैलेसेस थे या 52 इम्पोर्टेंट जो गढ़ थे उन गढ़ में से एक जो है आपका बालाघाट का किला माना जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट फोर्ट है, ठीक है, वो है आपके असीरगढ़ का किला। जो असीरगढ़ का जो किला है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के अंदर, या असीरगढ़ जो है एक तरीके से कॉल्ड द की टू डेक्कन या डेक्कन का दरवाजा इसको कहा जाता है। अभी थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे हो गया था तो उसके कारण थोड़ा मतलब वो वीडियो आगे पीछे हो गया है। असीरगढ़ का किला, अब देखो असीरगढ़ का जो किला है ना इसको कहा जाता है की टू डेक्कन या डेक्कन का जो रास्ता है एक तरीके से, डेक्कन का रास्ता कहा जाता है या की टू डेक्कन के रूप में जाकर। अब यहाँ पर देखो ना असीरगढ़, कमरगढ़ और मलयगढ़, ये तीन इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। एक तरह से किले को तीन इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, असीरगढ़, कमरगढ़ और मलयगढ़ के नाम से। ठीक है, बुरहानपुर लोकेटेड है, आगे जाके असाही नाम का एक व्यक्ति था उसने इसका निर्माण किया, और बाद में जाके जब फारूकी राजाओं का शासन हुआ तो उस समय पे उन्होंने एक किला जो है उससे आपको छीन लिया, और बाद में फिर अकबर ने अपना एक विजय अभियान यहाँ पे चलाया, जिस विजय अभियान के अंतर्गत अकबर ने असीरगढ़ के ऊपर चढ़ाई की 1601 में, और वो अकबर की आखिरी लड़ाई, अकबर का लास्ट कैंपेन माना जाता है। उसके बाद अकबर किसी भी कैंपेन के ऊपर या किसी भी युद्ध में आपको कभी लड़ने नहीं गया, तो इट वॉज द लास्ट कैंपेन ऑफ अकबर असीरगढ़ के किले में। और यहीं से फिर आपको डेक्कन का रास्ता खुलता है दक्कन में जाने के लिए, और चाहे वो अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो, तीनों राजाओं ने लंबे समय तक यहाँ पर आपको समय गुजारा, और यहाँ से समय गुजार के वो आपके दक्कन पे या बहमनीज हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए आ गए। खैर, बालाघाट का जो लांजी का किला है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी अभी बात कर ही चुके हैं। तो बालाघाट में लोकेटेड है आपका लांजी का किला, और उसके साथ में यहाँ पर एक लक्ष्मण मंदिर भी आपको है। खैर देखो, फोर्ट तो अभी दिखता नहीं है यहाँ पे, लेकिन लांजी का जो किला, ये जो मंदिर है, ये मंदिर जरूर यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ओके ओके, अगला जो इंपॉर्टेंट जिला है वो है अशोकनगर जिला, और मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में दो तीन इंपॉर्टेंट फोर्ट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्ट यहाँ पर आपको लोकेटेड है उस फोर्ट का नाम है चंदेरी का फोर्ट, चंदेरी का किला। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि चंदेरी का अलग से टॉपिक के रूप में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो ये हम अलग से एक टॉपिक के रूप में जो चंदेरी का जो किला है इस किले को देखने वाले, और इस किले को भी अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस किले का निर्माण किसने किया, लेकिन हाँ फिर भी बाद में जाके अकबर और उसके बाद जब सल्तनत पीरियड का टाइम आया तो सल्तनत पीरियड के राजाओं ने भी इसके ऊपर कंट्रोल करके इसको नियंत्रित आपको किया। अगला जो इम्पोर्टेंट किला है वो है कीर्ति दुर्ग या कीर्ति किले के नाम से, कीर्ति दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये भी आपके कीर्ति दुर्ग भी आपके चंदेरी में आपको लोकेटेड है, और 11th सेंचुरी में एक प्रतिहार राजा थे कीर्तिपाल, उन्होंने इस किले का निर्माण किया। साथ में जब यहाँ पे मुस्लिम इन्वेशन हुआ तो यहाँ पर एक खिलजी की जो मस्जिद है वो मस्जिद भी इस किले के अंदर यहाँ पर आपको बनाई गई। उसके बाद हम ला जाते हैं मध्य प्रदेश के
कीर्तिगढ़ का किला हो गया मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अंदर, और अशोक नगर दतिया जिले के अंदर यार, तो ये थोड़ा सा क्या ना, ये ट्रांजिशन थोड़ा स्लो चलता है ठीक है, और मैं थोड़ा फास्ट हूँ। तो दतिया के अंदर जो किला है उसका नाम है कन्हरगढ़ का किला, सेंधवा करके यहाँ पर आपको जगह है ना, प्लेस इज कॉल्ड द सेंधवा। एक हमने सेंधवा देखा था, सेंधवा कहाँ पर लोकेटेड है, वो सेंधवा लोकेटेड है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंदर। लेकिन ये जो है ये आपका ये जो किला है इसको बेसिकली दतिया के अंदर आपको लोकेटेड है, और यहाँ पे कन्हरगढ़ नाम की एक जगह है, इस जगह पे इस किले का निर्माण किया। अब देखो इसका जो निर्माण है, बुंदेला राजा जो दलपत राय है उन्होंने इस किले का निर्माण किया था, और इस किले को सती फोर्ट के नाम से या सती किले के नाम से भी आपको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक समय पर एक जो महिला है वो महिला आपको सती हो गई थी, इसलिए इसको सती के किले के नाम से भी आपको जाना जाता है। कोई बहुत ज्यादा जानकारी इस किले के बारे में हमको नहीं मिलती है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट किला है वो है सतना के अंदर, मध्य प्रदेश के सतना में, और मध्य प्रदेश के सतना के अंदर दो तीन इम्पोर्टेंट आपको किले मिल जाएंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट किला जो है यहाँ पर एक बना है अमर पाटन का गढ़ी बना हुआ, गढ़ी में आपको बता ही था, गढ़ी का मतलब आपको होता है कि छोटा फोर्ट या छोटा जो किला होता है उसको अमर पाटन कहा जाता है, मध्य प्रदेश के सतना में आपको लोकेटेड है। और यहाँ पर जो बघेल राजा है राजा भाव सिंह, तो उन राजा भाव सिंह ने इस किले का जो निर्माण है इसका निर्माण आपको करवाया। अगला जो इम्पोर्टेंट किला है वो है मेहर का किला। अब मेहर या मैयर दोनों है, मुझे पता नहीं इसको मैयर कहा जाता है या जाने लोग इसको मेहर ही प्रोनाउंस करते हैं, तो सतना में लोकेटेड है। और यहाँ पर जो बघेल राजा है उनका नाम था भेदचंद, तो भेदचंद ने इस किले का निर्माण किया, बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्ट है मेहर का किला मध्य प्रदेश के सतना के अंदर। अगला जो किला है वो है सोहवाल का किला, ये भी मध्य प्रदेश के सतना के अंदर ही आपको लोकेटेड है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट है। अगला जो किला है, अगला डिस्ट्रिक्ट जो है शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, और शहडोल डिस्ट्रिक्ट में आपको दो तीन इंपॉर्टेंट गढ़ी मिल जाएगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको मिलेगा सोहागपुर का गढ़ी, तो सोहागपुर का गढ़ी भी एक छोटा सा गढ़ी टाइप आपको बना, छोटा सा जो फोर्ट कॉम्प्लेक्स है वो बना हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आ जाए तो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आपको मिलेगा बांधवगढ़ का किला, जो बहुत इंपॉर्टेंट किला माना जाता है, और ये एक तरीके से ये किला जो है ये जंगल के अंदर यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर आपको लोकेटेड है। और यहाँ पे जो बांधवगढ़ के जो राजा है, या बांधवगढ़ के राजा मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक तो स्टोरी यहाँ पर भगवान राम की यहाँ पर आपको चलती है, कि भगवान जो राम है उन्होंने अपने बंधु बंधु मतलब एक तरह से उनका जो भाई थे लक्ष्मण, तो लक्ष्मण के लिए इस किले का निर्माण किया था। खैर ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि उन्होंने आपको निर्माण किया, लेकिन बाद में जब आपके जो बुंदेल राजा है तो बुंदेल राजाओं का जब हमला यहाँ पे हुआ तो बघेल राजाओं ने सॉरी तो बघेल राजा जो है उन्होंने इस किले का निर्माण जो है इस फोर्ट का निर्माण यहाँ पर आपको किया। और यहाँ पर लंबे समय तक जो आपके जो बघेल राजा है उनका शासन रहा, इसलिए बघेल स्टेट को आपका बघेल स्टेट या बोल सकते हैं कि उनको एक तरीके से बांधव राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि बांधवगढ़ का जो किला है वो कैप्चर किया। खैर बाद में जो बांधवगढ़ का जो किला है वो किला उनके हाथ से यहाँ पर आपको निकल गया, और बाद में इस किले को जो अकबर है अकबर ने अपने नियंत्रण में अपने कंट्रोल में आपको ले लिया, तो लंबे समय तक जो किला है वो अकबर के कंट्रोल में आपको रहा, तो ये बांधवगढ़ का किला। और बाद में जब अकबर ने या फिर जहांगीर ने भी जब बघेल राजाओं को अपना एरिया वापस इनका फूड नहीं लौटाया तो इसके बाद ये लोग जो है रीवा ट्रांसफर हो जाते हैं, और वहां पर जैसा नारों की गढ़ी बताई थी वहां पर जाके अपने एक नए फोर्ट का एक नए किले का आपको निर्माण करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के कई सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स इंपॉर्टेंट किले आपको होगा, जितने भी महत्वपूर्ण किले थे लगभग लगभग सभी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण किले जो है वो मैंने आपको कवर कर लिए। तो ये बड़ी सी लिस्ट है, इसको मैं जरूर आपके साथ में टेलीग्राम के ऊपर आपको शेयर करूंगा, एक पूरा पीडीएफ। 10 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, और जैसे ही इन 10 लेक्चर्स में हर वीडियो में 1-1 हज़ार व्यू होता है, इसकी पूरी की पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि प्रिंटआउट निकाल के आप इजीली इसको पढ़ सको। चलिए उसके बाद अनअकैडमी का बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो ऑफर है वो ऑफर भी अभी टाइम पे चल रहा है, अनअकैडमी का जो 1+1 वाला ऑफर और साथ में 25% डिस्काउंट वाला जो ऑफर है, ये ऑफर आप अभी भी जाके अवेल कर सकते हैं। ये ऑफर अभी फिर से बढ़ गया है फॉर नेक्स्ट 2 डेज, 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलेगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त, और साथ में 25% डिस्काउंट 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा आपके प्लस कोर्सेज के ऊपर। 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो आपको अभी मिल रहा है 9677 में, और साथ में 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, जिद करके एक इंपॉर्टेंट बैच है जहां पर 999 में आप पूरा कोर्स जो है उसको जाके यहाँ पर आपको कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो पूरा कर सकते हैं। जेल प्रहरी और वन रक्षक की बैच आ चुकी है, उसके अलावा एक एमपी हिस्ट्री को लेकर एक बैच आ चुकी है, ऐसे कई सारे बैचेस अभी के समय पे आ चुकी है, और इन बैचेस के माध्यम से आप अपना पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन जो है प्लस जो
एमपीपीएससी या व्यापम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही आप लगा सकते हैं कई सारी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। चलिए तो ये तो बात हुई इंपॉर्टेंट ऑफर के लिए, और ऑफर में आपको सिंपली यूज करना है मेरा कोड पवन लाइव, एंड इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 25% डिस्काउंट और साथ में 1+1 वाला जो फायदा है वो फायदा तो आपको यहाँ पर आपको मिल यहाँ पर आपको रहा है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू लाइक द लेक्चर, और अगले लेक्चर में हम ऐसे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए थैंक। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी, वेलकम टू अन अकेडमी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स टीएटी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदियों के किनारे कौन कौन से महत्वपूर्ण जो शहर हैं वो शहर बसे हुए। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, तो अभी जाकर आप अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को साथ में जाके परचेज भी आपको कर सकते हैं, और उसके साथ में आपको अभी चल रहा है अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ऑफर, 7 डेज तक, आने वाले 7 डेज तक आप अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक को जाके आप क्लिक कीजिए, अपने आपको एनरोल कीजिए, यूज कीजिए कोड पवन लाइव, और उसके साथ में ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन आप 7 डेज तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। साथ ही विजय पथ करके एक सीरीज, निर्वाण है, सफल रथ है, रामबाण है, ब्रह्मास है, कई सारी ऐसी सीरीज आपको अभी के टाइम पे चल रही है जिनके समय से जिनका यूज करके आप अपना पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही 7 डेज तक जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज आने वाले हैं उन कोर्सेज को भी, और अगर 7 डेज का फ्री ट्रायल आपको मिल रहा है तो कई सारे ऐसे टॉपिक होंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो आपने नहीं पढ़े होंगे या आप कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाए होंगे, तो हमारे एजुकेटर्स उन तमाम कोर्सेज को आपको कंप्लीट कराएंगे, तो अभी जाकर आप उसको परचेज कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में बात करते हुए। के साथ में आपको अभी चल रहा है अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ऑफर, 7 डेज तक, आने वाले 7 डेज तक आप अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक को जाके आप क्लिक कीजिए, अपने आपको एनरोल कीजिए, यूज कीजिए कोड पवन लाइव, और उसके साथ में ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन आप 7 डेज तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। साथ ही विजय पथ करके एक सीरीज, निर्वाण है, सफल रथ है, रामबाण है, ब्रह्मास है, कई सारी ऐसी सीरीज आपको अभी के टाइम पे चल रही है जिनके समय से जिनका यूज करके आप अपना पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही 7 डेज तक जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज आने वाले हैं उन कोर्सेज को भी, और अगर 7 डेज का फ्री ट्रायल आपको मिल रहा है तो कई सारे ऐसे टॉपिक होंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो आपने नहीं पढ़े होंगे या आप कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाए होंगे, तो हमारे एजुकेटर्स उन तमाम कोर्सेज को आपको कंप्लीट कराएंगे, तो अभी जाकर आप उसको परचेज कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में बात करते हुए।